कहानी के स्टार्टिंग में मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जो एक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने सोफी को बांध के रखा होता है। सोफी उसे देखकर कहने लगती है, लिन मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं उसे कभी नहीं मार सकती हूँ। तो यहाँ पे गुस्से में उससे कहने लगता है, लिन मैंने तुम पे इतना भरोसा किया है फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। वो यहाँ पे उस पे बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है, जो तुमने किया है ना उसकी कीमत तुम चुकाओगी। उसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। सोफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आगे दिखाया जाता है मिस्टर लिन को जो कि वी के घर पर जाते हैं, तो वी के फादर उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं, कहते कि ये सब कुछ तुम्हारी और सोफी की वजह से हो रहा है, आज हमारी बेटी जिंदा नहीं है। मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि सोफी कुछ ऐसा करेगी। तो गुस्से में वी के फादर उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वी की मॉम उन्हें रोक देती है और मिस्टर लिन से कहती है कि हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं और ना ही तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं वी की मौत के लिए, पर तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वी ने तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर लिन कहते हैं कि आप क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे वी की मॉम बताती है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी एक किडनी दे दी थी, उसके बाद ही आज तुम जिंदा हो, पर देखो लेकिन देखो आज तुम्हारी उस सोफी की वजह से हमारी बेटी ही जिंदा नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा कहकर रोना धोना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि मिस्टर लिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर से सोफी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा होगा कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ शायद, बट पहले तुम अपना जुर्म कबूल करो। लेकिन यहाँ पे अपना जुर्म कबूल करने से मना कर देती है सोफी, क्योंकि असल में उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता है। तो मिस्टर लिन गुस्से में वहाँ पे दो लोगों को और लेके आते हैं और कहते हैं कि ये लोग अब तुम्हें सच्चाई बताने पे मजबूर कर देंगे। वो उन्हें वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पर्सन सोफी को काफ़ी परेशान करते हैं। मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि वी के साथ हुए हादसे के बारे में याद कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है कि सोफ़ी अचानक बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। यहाँ पे सोफ़ी जो कि बेहोशी की हालत में बचपन के बारे में याद करती है कि बचपन में मिस्टर लिन के साथ कोई नहीं खेला करता था, क्योंकि वो बीमार थे और काफ़ी वीक थे, तो उस समय सोफ़ी उनकी फ्रेंड बनी थी। मिस्टर लिन सोफ़ी के पास ही बैठे रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर आकर उन्हें सोफ़ी की रिपोर्ट देता है, जिससे मिस्टर लिन को पता चलता है कि सोफ़ी के पास तो एक ही किडनी है। वो परेशान हो जाते हैं और सोफ़ी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक किडनी क्यों है, तुम्हारी एक किडनी कहाँ गई है। पर सोफ़ी यहाँ पे काफ़ी डरी हुई होती है, तो वो बस चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन की एक बार तबीयत बहुत ख़राब होती है और उनके साथ सोफ़ी हॉस्पिटल आ जाती है। मिस्टर लिन बेहोश हो चुके होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए किडनी की ज़रूरत है, तो उस समय सोफ़ी ने उन्हें अपनी किडनी देकर बचाया था। लेकिन वहाँ पर आ जाती है वी और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाती है, कहती है कि सोफी किडनी तुम दोगी उन्हें, लेकिन इस चीज का क्रेडिट सारा मुझे मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है मिस्टर लिन सोफ़ी को दूर से देख रहे होते हैं, सोफ़ी कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रही होती है। मिस्टर लिन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि पता लगाओ इसकी कंडीशन के बारे में। वहीं हम देखते हैं वी को जो कि अपने घर वापस आ जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं और ज़्यादा ये ड्रामा नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द मिस्टर लिन से मैरिज करनी है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, तुम अपनी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मिस्टर लिन के पास भेजो ताकि वो सोफ़ी से हमेशा के लिए नफरत करने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक पर्सन सोफ़ी पे अटैक करता है, उसे भेजा होता है वी और उसकी मॉम ने, पर तभी मिस्टर लिन आकर सोफ़ी को बचा लेते हैं, वो उस पर्सन को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है मिस्टर लिन को कि वो पर्सन असल में सोफ़ी को एक पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाने वाला था। मिस्टर लिन कन्फ्यूज होते हैं कि ये सब कुछ कौन कर रहा है सोफ़ी के साथ, तो उन्हें वी का वो वॉइस मेल मिलता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वी बार बार कह रही होती है कि सोफ़ी मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो मिस्टर लिन को लगता है कि सच में सोफ़ी ने ही वी के साथ कुछ किया है। मिस्टर लिन को गलतफहमी होती है कि वो वी की वजह से आज जिंदा है, क्योंकि वी ने उन्हें बचाने के लिए किडनी दी थी, इसलिए वो सोफ़ी से वी की मौत का बदला लेने के बारे में सोचते हैं और वो उसे उठाकर एक बार में ले आते हैं। कहते हैं कि तुमने वी को बहुत परेशान किया था ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। वो कुछ लोगों को कहते हैं कि वो लोग सोफ़ी के साथ बदतमीजी करे। सोफ़ी चिल्लाती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है उसके साथ, उस दिन मैं ड्रंक थी, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ था हादसे में। वो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुमसे पूरे 10 साल से प्यार किया है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर उससे भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो सभी को वहाँ से बाहर निकाल देता है और सोफ़ी से कहता है कि तुम्हें तो मैं ही सजा दूंगा। वो उसे फिर से हॉस्पिटल ले आता है और कुछ लोगों से कहता है कि इसे अच्छे से परेशान करो, इसे इतना दर्द दो ताकि इसे दूसरे के दर्द का एहसास हो।
तो यहाँ पर सभी लोग फिर उसे हर्ट करने लगते हैं। मिस्टर लिन भी उसी का ये वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट बताता है कि मैडम अपनी जान देने की कोशिश कर रही है, वो हॉस्पिटल की टेरिस पे है। टेरिस के ऊपर दिखाया जाता है सोफी को, जो कि वहाँ से कूदने की सोच रही होती है, बट मिस्टर लिन आकर उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। सोफी कहने लगती है कि तुमने मुझे बहुत टॉर्चर कर तो लिया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैंने कुछ नहीं किया है और तुम्हें तो मुझ पर भरोसा भी नहीं है, तुमने मेरे 10 साल के प्यार पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। वो यहाँ पर कहती है कि मैं अपनी जान दे देती हूँ तभी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसे कहने लगता है लिन कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मर भी नहीं सकती हो, लेकिन सोफ़ी जंप कर देती है। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर सोफ़ी कहती है मुझे जाने दो, अब वो एकदम से नीचे गिर जाती है। बट अगले मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी को चोटें लगी होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। मिस्टर लिन परेशान होते हैं, असिस्टेंट कहता है कि वो खतरे से बाहर है बॉस, अब आप चिंता मत कीजिए, बस उन्हें कुछ समय रेस्ट करना होगा। तभी यहाँ पे असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि वी एक्चुअली में जिंदा है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुन के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं मिस्टर लिन के भी, और वो तुरंत पहुँच जाते हैं वी से मिलने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है कि वी अपना थोड़ा याददाश्त भूल चुकी है, इसके मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वो पूरा ड्रामा कर रही होती है इस चीज़ का, और उसकी मॉम रोना धोना करती है, कहती कि देखो तो सही मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है, ये सब कुछ उस सोफ़ी की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर लिन को वी के लिए बुरा लग रहा होता है, वो फिर से पहुंच जाते हैं सोफ़ी के पास जो कि हॉस्पिटल में एडमिट ही रहती है। वो उसे कहते हैं कि वी जिंदा तो है लेकिन तुमने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हें इसकी तो सज़ा मिलेगी ही। वो उसे ज़बरदस्ती कार में बिठा के घर ले आते हैं और कहते हैं सर्वेंट से कि आज से सारा घर का काम ये करेगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, इसे बिल्कुल भी रेस्ट मत करने देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं अपना वर्क करने के लिए। लिन के पास यहाँ पे वी की मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि वी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती है, तो मिस्टर लिन तुरंत हाँ कह देते हैं और कहते कि आज वो घर आ जाए। फिर हमें घर पे दिखाया जाता है वो सभी डिनर टेबल पे बैठे रहते हैं और सोफ़ी यहाँ पे फूड सर्व कर रही होती है, तो वी अच्छा बनने का दिखावा करती है और कहती है कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ये यहाँ पे ऐसा काम क्यों कर रही है। वो यहाँ पे कहने लगती है मिस्टर लिन से कि क्या तुम अभी भी इसे ऐसे परेशान करते हो, इसे ऐसे परेशान मत करो। यहाँ पे वो उसके हाथ से फूड लेने लगती है बट खुद ही अपना हाथ जला लेती है और सारा ब्लेम डाल देती है फिर से सोफ़ी पर। ये देखकर मिस्टर लिन सोफ़ी पर ही चिल्लाते हैं। सोफ़ी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, यही ये सब कुछ ड्रामा कर रही है, मुझे समझ में आ गया है कि वी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। बट मिस्टर लिन तो एक भी बात नहीं सुनते हैं सोफ़ी की, अब वो वहाँ से ले जाते हैं अपने साथ वी को। यहाँ पे जो होती है वी की मॉम, वो सोफ़ी से कहने लगती है कि कोई भी तुम्हारे सच में विश्वास नहीं करने वाला है, मैं क्या तुम्हें बताऊँ कि मिस्टर लिन तुमसे प्यार तो करते हैं लेकिन तुम पे भरोसा नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मिस्टर लिन को लगता है कि वी ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई है, उन्हें तो अब तक सच भी नहीं पता है कि उनकी जान बचाने वाला आखिर कौन है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिन को, जो कि वी की चोट पर बैंडेज कर रहे होते हैं और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वी कहने लगती है कि शायद मुझे सोफ़ी पसंद नहीं करती है क्योंकि आप मेरी केयर करते हैं। वी यहाँ पे मिस्टर लिन से कहती है कि आप अपने इंगेजमेंट तोड़ दें सोफ़ी से क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, बट मिस्टर लिन एकदम से मना कर देते हैं इंगेजमेंट तोड़ने से क्योंकि वो रियल में तो सोफ़ी से ब्याह करते हैं बट उसे दिखाते ही तो नहीं है। ये बात अच्छी नहीं लगती है यहाँ पे वी को, तो वो मिस्टर लिन से कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि सोफ़ी ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। एक वीडियो दिखाने लगती है वो सोफ़ी का, जिसमें सोफ़ी कुछ लोगों के साथ ड्रिंक कर रही होती है, कहते कि शायद इसी वीडियो की वजह से वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके और लोगों के साथ कुछ गलत संबंध है। ऐसा वो यहाँ पर कान भर देती है मिस्टर लिन का, जिससे कि मिस्टर लिन काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। मिस्टर लिन यहाँ पे इतने दुखी होते हैं तो ड्रिंक करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, बार में जाके वो बहुत पी लेते हैं, तो उनका असिस्टेंट उन्हें घर लाने लगता है। रास्ते में मिस्टर लिन को वही पर्सन नजर आते हैं जो वी के साथ वीडियो में थे, तो वो उनसे पूछने लगते हैं कि वी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, बट वो लोग तो मिस्टर लिन को मारने लगते हैं। मिस्टर लिन इस वजह से वहाँ पे गिर जाते हैं और उन्हें छोटी वाली सोफ़ी नज़र आती है। उसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें घर ले आता है। यहाँ पे सोफ़ी उनकी एक कंडीशन देखकर उन्हें संभालने लगती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मिस्टर लिन को थोड़ा होश आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम सच में धोखेबाज हो।
यहाँ पे सोफी को तो कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट डे जब सोफी उनके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है तो मिस्टर लिन उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने वो सब कुछ मेरे साथ क्यों किया था। मिस्टर लिन की बातें सोफी के समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि आप अब किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि तुम मुझे कब सच बताओगी। सोफी कुछ भी बताने को मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता है। तो मिस्टर लिन गुस्से में उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं ये कहकर कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी उस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोफी यहाँ पे उस रूम में बंद रहती है तो सोच रही होती है कि मिस्टर लिन मैंने आपसे इतना प्यार किया लेकिन फिर भी आपको मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, मेरे 10 साल के प्यार को वेस्ट कर दिया। उसकी हालत ख़राब होती है। तभी रूम में एक पर्सन आता है जिसका नाम मिंग होता है। उसे देखकर सोफी कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। वो पर्सन कहता है कि मेरा नाम मिंग है और मैं मिस्टर लिन का हाफ ब्रदर हूँ। वो यहाँ पे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, अच्छा होगा कि तुम मेरा साथ दो ना कि उसका। लेकिन तभी यहाँ पे बेहोश हो जाती है सोफी। तो मिस्टर मिंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं लेकिन तभी लिन आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये मेरी फियांसे है तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन शायद तुम इसका बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, इसकी तबीयत खराब हो रही है, बस मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन मिस्टर लिन उसे दूर कर देते हैं सोफी से और कहते हैं कि इसे मैं संभाल लूँगा और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी बॉडी वीक है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। कुछ समय बाद जब सोफी को होश आता है तो मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि तुम्हारा मिंग के साथ क्या रिश्ता है, वो वहाँ पे क्या कर रहा था और तुमने उसे क्या कहा है। सोफी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है, प्लीज़ आप मुझे जाने दें, मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर लिन उसे रोकने लगते हैं, इसी चक्कर में सोफी के सर में लग जाती है। ये देखकर मिस्टर लिन तुरंत डॉक्टर को आवाज़ देकर बुलाते हैं। कुछ समय बाद वो उसे घर ले आते हैं और अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं, उसकी केयर कर रहे होते हैं। पर दूर से सब कुछ देखकर वी का खून जलने लगता है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम प्लीज़ कुछ ऐसा करे जो उनकी लाइफ से सोफी चली जाए, अब वो मुझसे मैरिज कर ले, मैं अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसकी मॉम उसे फिर से एक अच्छा आइडिया देती है। उसके बाद मिस्टर लिन को दिखाया जाता है ऑफिस में वर्क करते हुए, उन्हें कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स नजर आती है। वो कहने लगते हैं ये सारी गड़बड़ कौन कर रहा है। एक पर्सन को वहाँ पे पकड़ के लाया जाता है जो यहाँ पे कहता है कि ये सारी गड़बड़ और कोई नहीं बल्कि सोफी के फादर कर रहे हैं। यहाँ पे वो पर्सन मिस्टर लिन से कहता है कि आपके मॉम डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसके पीछे भी सोफी के फादर का हाथ था, सारा ब्लेम सोफी के फादर पे आ जाता है। मिस्टर लिन तुरंत ही वहाँ पे सोफी के फादर को बुलवा लेते हैं। सोफी का फादर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, तुम जल्द ही मेरी बेटी से मैरिज करने वाले हो। बट मिस्टर लिन तो उनके बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते बल्कि उनसे कहते हैं कि तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा था, क्या प्रॉपर्टी के लिए। तो सोफी के फादर कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उन्हें नहीं मारा था, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ मैं तुम्हें ही बचा पाया था और तुम्हारे मॉम डैड मर गए थे। लेकिन मिस्टर लिन को तो यही लगता है कि ये सब कुछ सोफी के फादर ने किया है। वो सोफी और सोफी के फादर को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और उसके फादर को तो कैद भी कर लेते हैं जब तक कि वो सच ना बता दे। उसके बाद घर आ जाते हैं और फिर वो सोफी पे भी चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि क्या बाप बेटी दोनों ने मिलकर ये साजिश की थी, क्या तुम भी मेरी लाइफ में इसलिए आना चाहती हो। सोफी को कुछ समझ भी नहीं आता है, वो कहते हैं कि तुम मेरे फादर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, अब क्या हो क्या है। तो मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसे उनका वीडियो दिखाता है और कहता है मैंने उन्हें कैद कर लिया है, जब तक वो मुझे सच नहीं बताएंगे मैं उन्हें आज़ाद नहीं करूँगा। सोफी कहती रहती है कि मेरे फादर ने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ तुम उन्हें छोड़ दो, जाने दो। सोफी यहाँ पे अपने फादर से मिलने की रिक्वेस्ट करती है तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हें पहले माफ़ी मांगनी होगी वी से, इसलिए वो उसे वी के घर ले आते हैं और कहते हैं कि ये तुम सभी से माफ़ी मांगेगी। तो यहाँ पे सॉरी कहने लगती है सोफी वी से, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम सिर्फ ऐसे माफ़ी मांगोगी। तो यहाँ पे सोफी नीस पे बैठ के माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि जब तक ये तुम्हें माफ़ ना करे यहाँ से उठ के कहीं मत जाना, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सोफी को वी और वी की मॉम दोनों ही तंग करने लगते हैं। वी उससे कहने लगती है क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगी, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हारे डैड की भी, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। सोफी कहती है कि बस मुझे मेरे डैड से मिलने दो, उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी अपने डैड के साथ, कभी वापस नहीं आऊँगी। उसके बाद हम देखते हैं वी को जो कि पहुँच जाती है मिस्टर लिन के पास और उनसे कहती है कि आप पूरा टाइम इतना वर्क करते रहते हैं, मैंने सुना है सोफी से कि आपने उसके डैड को अपने पास रखा है, अगर आप चाहें तो मैं उनसे एक बार बात कर लूँ तो शायद वो मुझे सारी सच्चाई बता दे कि उन्होंने आपके पेरेंट्स के साथ क्या किया था और कैसे किया था। पहले तो मना करता है लिन, लेकिन जब वी जिद करती है तो लिन ले जाता है वी को और कहता है ठीक है तुम इनसे मिल लो, लेकिन अगर ये तुम्हें हर्ट करे तो मुझे बता देना।
वी कहती है ठीक है। वी अंदर आने के बाद सोफी के डैड से बात करती है। सोफी के डैड उसे अच्छा समझ रहे होते हैं और कहते हैं कि सोफी कैसी है। वी कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। जब से मिस्टर लिन को पता चला है कि आपने उनके पेरेंट्स को मारा है तो वो वी को बहुत परेशान रख रहे हैं। देखिए वो उसे कैसे बार में ले जाते हैं ताकि उसे सेल कर सके। वो यहाँ पर फिर से सोफ़ी का वही वीडियो उसके डैड को दिखा देती है। उसके डैड ये सब कुछ देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने कुछ किया है। बट मिस्टर लिन हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। वी यहाँ पे कहने लगती है बस एक ही आइडिया है सोफ़ी को बचाने का कि आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम देखते हैं सोफ़ी के डैड को जो कि अपनी जान देने का डिसाइड करते हैं ताकि फिर उनकी बेटी को कोई हर्ट ना करे। वी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमीनी होती है। वो यहाँ पे एक फ़ोटो लेके पहुँच जाती है सोफ़ी के पास और कहती है तुम्हें अपने डैड से मिलना था ना, लेकिन शायद अब तुम उनसे कभी ना मिल पाओ क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी है और वो भी मिस्टर लिन के कारण। ये बात सुन के तो पूरी तरीके से टूट जाती है सोफ़ी और लिन के पास पहुंच जाती है और कहती है मुझे अपने डैड से मिलना है, तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ किया है। बट मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। सोफ़ी यहाँ पे उन्हें वो फ़ोटो दिखा देती है और कहती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर लिन यहाँ पे कहते हैं कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, उन्होंने खुद अपनी जान दी है। लेकिन सोफ़ी यहाँ पे उन पर गुस्सा करने लगती है, उन्हें मारने लगती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सोफ़ी को अकेले रूम में देखते हैं जहाँ पे सर्वेंट आता है और कहता है आपकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए आपको ये मेडिसिन खानी होगी। वो यहाँ पर उसे वो मेडिसिन देता है, उसके सामने तो सोफ़ी खा लेती है लेकिन उसके जाने के बाद उसे मुँह से निकाल के बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुमने बहुत कुछ बुरा कर लिया है लिन और अब मैं तुमसे बदला लूँगी अपने डैड की मौत का, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोफ़ी अपने रूम में लेट जाती है। कुछ समय बाद मिस्टर लिन आते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ समय तुम्हें रूम में ही रेस्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, उन्होंने खुद अपनी जान दी है। लेकिन सोफ़ी कहती है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। मिस्टर लिन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लिन को वर्क करते हुए, तो वहाँ पे वी उनके लिए कॉफ़ी बना के लाती है और कहती है आप टायर्ड हो गए होंगे, आपको ये कॉफ़ी पीनी चाहिए, मैंने आपके लिए बनाई है। जैसे ही मिस्टर लिन उस कॉफ़ी को पीते हैं उसके बाद उन्हें नशा होने लगता है और सोफ़ी यहाँ पर उनका इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोचती है, उनके करीब आने लगती है, कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपको शायद मुझसे शादी करनी चाहिए और उसे जाने देना चाहिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये देखकर यहाँ पे भी खुश हो जाती है क्योंकि वो उनकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोच रही होती है। वो उन्हें चिपकने लगती है और कहती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, आपको मुझसे मैरिज करनी चाहिए। वो तो उनके पीछे पड़ जाती है पर फिर भी मिस्टर लिन उसे अपने से दूर कर देते हैं। वो यहाँ पे नशे की हालत में पहुँच जाते हैं सोफ़ी के रूम में। सोफ़ी उन्हें ऐसे देख के डर जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मिस्टर लिन नशे की हालत में कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। यहाँ पर उन्हें अपने से दूर करने लगती है सोफ़ी और कहती कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनने के बाद तो मिस्टर लिन अपना आपा खो देते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन जब बाद में उन्हें होश आता है तो वो कहने लगते हैं सोफ़ी से कल रात जो भी हुआ था उन सब चीज़ों को एक्सीडेंट मानना और भूल जाना। तो यहाँ पर सोफ़ी भी कह देती है हाँ मुझे पता है कि कल रात एक पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया था। ये बात सुनने के बाद फिर से मिस्टर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। बट सोफ़ी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। सोफ़ी को उसके बाद एक कैफ़े में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए मिंग आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, लास्ट टाइम तो तुमने मेरी हेल्प लेने से मना कर दिया था। सोफ़ी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि आखिरकार मैंने अपनी किडनी को किससे डोनेट किया है क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चला है, मुझे तुम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ला के दो। मिंग उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा बट इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा, मैं भी मिस्टर लिन के बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ इस चीज़ में कोऑपरेट करना होगा। उसके बाद मान लेती है सोफ़ी और उसके बाद वो मिस्टर लिन के ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है। उसे कुछ चीज़ें मिलती है जिनके वो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। आगे दिखाया जाता है मिंग को जो कि एक लैपटॉप ला के देता है सोफ़ी को और कहता है कि हम लोग इसके थ्रू आपस में कनेक्शन रख सकते हैं, शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ पर उसके करीब आके उसे छूने की कोशिश करता है तो सोफ़ी कहती है तुम क्या कर रहे हो। मिंग कहता है कि बेशक तुम मेरे ब्रदर की फियांसे हो बट मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखता है, अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और इसमें तुम्हारा फ़ायदा भी रहेगा। लेकिन उसे कह देती है सोफ़ी तुम जानते हो ना अपने ब्रदर को, अगर उसे इस बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसलिए तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं सोफ़ी लैपटॉप के थ्रू मैसेज करके कनेक्शन रखती है मिंग के साथ और उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती है जिसकी वजह से मिस्टर लिन का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल जाता है और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि उनकी ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट पे गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ इस बारे में।
यहाँ पर मिस्टर लिन का असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि आजकल मैडम अपने रूम में ज़्यादा कर रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, शायद कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हो जाता है मिस्टर लिन भी। आगे दिखाया जाता है घर पे सोफ़ी को, जो कि बात कर रही होती है मैसेज के थ्रू मिंग से। तभी उसे लगता है कि रूम की तरफ कोई आ रहा है, इसलिए वो अपने लैपटॉप को छुपा देती है। उसके रूम में आ जाता है लिन और कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम करना चाहती हो, उस रात जो भी कुछ हुआ है क्या उस वजह से कोई फ़ायदा उठाने की सोच रही हो। कह देती है उनसे सोफ़ी कि उस रात मैंने कुछ नहीं किया था, तुम्हारी जो स्वीट हार्ट है ना, उसी ने तुम्हें ड्रग्स दिया था उस दिन, और फिर तुम मेरे रूम में आ गए, मुझे टच किया, जिसके बाद तुम्हें अपने आप पे शर्म भी आती है। यहाँ पे वो कहने लगती है अच्छा होगा कि तुम अपनी लेडी को कंट्रोल में करने की कोशिश करो। गुस्से में आ जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिन और कहता है कि वो मेरी लेडी नहीं है, तुम ये मत भूलो कि मेरी लेडी तुम हो। यहाँ पे वो उस पे गुस्सा उतारने लगता है अपना सारा ही। सोफ़ी कहती है कि क्या फिर आज तुम नशा करके आए हो जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। सोफ़ी यहाँ पे गुस्से में उसे दूर रहने के लिए कहती है, बट मिस्टर लिन गुस्से में उसके और ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिंग को, जो कि एक डॉक्टर से मिलता है। उस डॉक्टर ने ही मिस्टर लिन का ऑपरेशन किया होता है, इसलिए मिंग पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरे ब्रदर को किडनी किसने डोनेट की थी। यहाँ पे वो डॉक्टर कहता है कि पुराना डाटा है, इस बारे में याद रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ पे वी आ जाती है और कहने लगती है क्या हुआ ब्रदर मिंग, क्या आप बीमार हैं इसलिए आप डॉक्टर से मिल रहे हैं। उसके सामने अच्छा बने का दिखावा करती है, बट मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, इसलिए मेरे सामने अपने ये नकली ड्रामे करना बंद कर दो। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो डॉक्टर जा रहा होता है तो उसके सामने अपनी कार लेकर आ जाती है वी, और उसे कुछ पैसे देती है, कहती है कि अपना मुँह बंद रखना, किसी को पता ना चले कुछ भी। वो डॉक्टर कहता है कि अब ये सब चीज़ें छुपाना मुश्किल है, हो सकता है कि किसी को चल जाए, लेकिन वी तो उसे वार्निंग और वो पैसे देकर चली जाती है। आगे देखते हैं वी को, जो कि पार्किंग एरिया में एक गुंडे से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी, बट तुम्हें इस लड़की को एक्सीडेंट करके मारना होगा। वो गुंडा तुरंत ही उसकी सुपारी ले लेता है। आगे दिखाया जाता है फिर वी को, जो कि जाती है मिलने के लिए सोफ़ी से और कहती है तुम्हारे पास मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तुम उस पर्सन को ढूंढ रही हो ना जिसे तुमने अपनी किडनी डोनेट की है, तो यहाँ पे तुम्हें वो पर्सन मिल जाएगा। वो उसे एक एड्रेस देकर चली जाती है। कुछ समय बाद मिंग आता है सोफ़ी से मिलने के लिए, बट सोफ़ी कहती है अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाए हो, मैं खुद अपना वो काम कर लूँगी। फिर देखते हैं दो दिन बाद सोफ़ी को, जो कि टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी नज़र पड़ जाती है मिस्टर लिन और उसके असिस्टेंट की उस पर। सोफ़ी एक टैक्सी लेकर जाती है तो वो लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं, बट सोफ़ी जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि वी ने करवाया होता है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वी को देखते हैं जो कि मिंग से मिलने जाती है। मिंग कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है, तुम तो मेरे ब्रदर के पीछे हो ना, तो फिर मुझे मिलने क्यों बुलाया है। वी उसे वार्निंग देती है और कहते हैं कि प्लीज़ मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, वरना फिर तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे मिंग कहता है कि क्या तुम मुझे डराने आई हो, बट मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरने वाला हूँ। यहाँ पे कहने लगती है उससे भी, जिसके लिए तुम कर रहे हो ना ये सब कुछ, शायद अब वो इस दुनिया में जिंदा ही ना बचे। लेकिन यहाँ पे तभी वी के पास कॉल आ जाता है और उसे बताया जाता है कि सोफ़ी बच गई है और उसे बचाने वाले मिस्टर लिन हैं। ये बात सुन के सोफ़ी के होश उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आकर बताने लगते हैं मिस्टर लिन को कि वो बिल्कुल ठीक है और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उनका बच्चा भी ठीक है। ये बात सुन के हैरान हो जाता है मिस्टर लिन और कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है, बट ये बच्चा किसका है। पीछे से भागते हुए आ जाता है वहाँ पर मिंग और कहता है ये बच्चा मेरा है। डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिन के होश उठ जाते हैं। लिन गुस्से में कहता है मिंग से मजाक मत करो, ये तुम क्या कह रहे हो। मिंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने कभी उसे ध्यान से देखा ही कहाँ था, वो मेरा ही बच्चा है। तो वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा फाइट भी करने लगते हैं। रूम में देखते हैं सोफ़ी को, जिसे होश आता है तो उसे नर्स बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के सोफ़ी कहने लगती है उस पर्सन को तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, लेकिन नर्स कहती है कि नहीं, जो पर्सन तुम्हारे साथ है शायद वो तुम्हारा हस्बैंड ही है ना, वो तो इस बच्चे को लेकर बहुत खुश होने वाला है क्योंकि वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही था। सोफ़ी ये जान के बहुत हैरान होती है कि मिस्टर लिन उसका ध्यान रख रहे थे, वो भी इतना ज़्यादा।
आगे देखते हैं मिस्टर लिन को। ऑफिस में वो काफी परेशान होते हैं तो उनका असिस्टेंट कहता है शायद आप मैडम के बारे में ही सोच रहे हैं, इसलिए आपको मैडम के पास ही जाना चाहिए। बट यहाँ पे लिन अपने असिस्टेंट का मुंह बंद करवा देता है। बट वो सच में सोफी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है, इसलिए घर आने पर उसके रूम में आ जाता है और वहाँ पे उसके साथ बिताए हुए उन पलों के बारे में याद करता है और कहने लगता है कितना अच्छा होता ना अगर वो मेरा और तुम्हारा बच्चा होता सोफी। तो फिर वहाँ पे मिंग आ जाता है और कहने लगता है तुम तो उससे नफरत करते हो ना, तो फिर क्यों चाह रहे हो कि वो बच्चा तुम्हारा होता। बट मैं तुम्हें बता दूं कि वो बच्चा मेरा है, इसलिए अब तुम छोड़ दो सोफी को। लेकिन लिन कह देता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उससे मैरिज करूंगा और तुम इस चीज में बीच में टांग नहीं अड़ा सकते हो, उस बच्चे को मैं अबॉर्ट करवा दूंगा। ये बात सुन के मिंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, उससे उसके बच्चे को छीनोगे, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। कह देता है लिन ये मेरा फैसला होगा कि वो बच्चा रहेगा या फिर नहीं, और सोफी वही करेगी जो मैं उससे करने के लिए कहूंगा। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लिन हॉस्पिटल में सोफी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं जल्दी तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि फिर हम दोनों मैरिज कर लें। उसकी ये बात सुन के सोफी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो। बट मिस्टर लिन उससे कहते हैं मैरिज करने से पहले तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं तुमसे मैरिज करूंगा। यहाँ पे एकदम से कहने लगती है सोफी अगर मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी तो क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करोगे। मिस्टर लिन कहते हैं हाँ। सोफी कह देती है ठीक है तो फिर मुझे तुमसे मैरिज नहीं करनी है। ये बात सुन के मिस्टर लिन को बहुत गुस्सा आता है, अब वो वहाँ से चले जाते हैं। बट ये सारी बातें वी ने सुन ली होती है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है मिस्टर लिन वी के घर पे पहुँचते हैं तो वी वहाँ पे रो रही होती है। मिस्टर लिन रीजन पूछते हैं तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि अब ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली है, देखो इसे क्या बीमारी हो गई है, अब हमारी बच्ची एक दो महीने में मरी जाएगी, इसका लास्ट ड्रीम है कि ये तुमसे मैरिज करे, इससे तुम्हारी जान बचाई है अपनी किडनी देकर लिन, तो प्लीज़ तुम इससे मैरिज कर लो। वो लोग यहाँ पे उसे फोर्स करने लगते हैं इस चीज़ के लिए। अब मिस्टर लिन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जब मिल जाता है सोफी को तो उसे अपने साथ मिंग लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं और वो उसे रोकने लगते हैं। वो सोफी से कहते हैं क्या तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी। सोफी कह देती है नहीं, मैं अपने इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे गुस्से में मिस्टर लिन कहते हैं ठीक है अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। वो वहाँ से चले जाते हैं। मिंग कार में ले जा रहा होता है अपने साथ सोफी को। वो कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहती हो सोफी। सोफी कहती है हाँ यही सही रहेगा मेरे बच्चे के लिए। उसके बाद मिंग उसे एक घर में लाके छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। यहाँ पे वो सोफी से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ और तुम्हारे इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। वो यहाँ पे थोड़ा उसके करीब आने लगता है बट सोफी उसे कह देती है कि अगर मैंने तुम्हारे ब्रदर को छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, इस गलत फहमी में तुम कभी मत रहना मिंग। अब वो वहाँ से उसे भेज देती है। सोफी सो रही होती है तो उसके पास मिंग कॉल करता है और बताता है कि न्यूज़ में आ रहा है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड अब किसी और से मैरिज कर रहा है, वो सच में मैरिज करने वाला है वी से। पर सोफी कह देती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका होता है, बट वो उसे बताती नहीं है। आगे उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो अपना इलाज कराने जाती है, बट वो मिस्टर लिन से टकरा जाती है तो मिस्टर लिन उसका हाथ पकड़ के पूछते हैं कि तुम कैसी हो। सोफी कहती है कि आपको अब मेरा नहीं किसी और का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मिस्टर लिन उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे वी बीमार होने का ड्रामा करने लगती है तो मिस्टर लिन उसे संभालने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोफी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो वो फिर से डॉक्टर को चेक कराती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम थोड़ी वीक हो इसलिए तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा और टेंशन लेना बंद कर दो, वरना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। सोफी जब वहाँ से जा रही होती है तो तभी वो बात ही सुन लेती है वी की, जो कि अपनी मॉम से कह रही होती है मॉम मैं अब और ज़्यादा बीमार होने का ड्रामा नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द मिस्टर लिन से मैरिज करनी है। ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सोफी ने सुन ली होती है। उसके दो हफ्ते बाद दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया जाता है। असल में आज वी और मिस्टर लिन की इंगेजमेंट का दिन होता है, वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। यहाँ पे वी बहुत खुश होती है। हम देखते हैं सोफी भी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है इससे पहले कि उन दोनों की यहाँ पे इंगेजमेंट हो पाती। तभी वहाँ पे कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है जिनमें वी खुद कह रही होती है कि वो उसे बीमार होने का ड्रामा कर रही है। एक्चुअली ये सारी जो आवाज़ें होती है वो किसी और ने नहीं बल्कि सोफी ने ही वहाँ पे प्ले की होती है। बार बार चिल्लाने लगती है वी कि ये सब कुछ बंद करो बकवास है ये सारी चीज़ें। सारी बातें यहाँ पे पता चल जाती है मिस्टर लिन को भी। वो यहाँ पे वी से कहता है कि क्या सच में तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो।
वी यहाँ पे कहने लगती है लिन से कि ये सब कुछ झूठ है, इन बातों पे भरोसा मत करो। लेकिन अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। मिस्टर लिन तो उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे भी बहुत रोने लगती है। बट सोफ़ी को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लेकिन सोफ़ी सिटी से बहुत दूर आ जाती है। यहाँ पर जो मिस्टर लिन होते हैं वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सोफ़ी को ढूंढो, बट उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। यहाँ पे जो होता है मिंग वो कॉल करता है सोफ़ी को और बताता है कि लिन तुम्हें पागलों की हर जगह ढूंढ रहा है, तुम वैसे हो कहां पर। सोफी कह देती है कि तुम्हें भी ये जानने की जरूरत नहीं है। बट मिंग अपने असिस्टेंट से पता लगवा लेता है कि सोफी एक होम टाउन में रह रही है। मिस्टर लिन यहां पे सोफी को हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए वो पब्लिकली न्यूज में सोफी से सबके सामने माफी मांगते हैं। यहाँ पे सोफी भी इस वाले वीडियो को देखती है। कुछ समय बाद मिंग उसके पास कॉल करता है और कहता है, क्या ये सब कुछ देखने के बाद तुम लिन को माफ कर दोगी। सोफी कहती है कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। सोफी कुछ समय बाद हॉस्पिटल जाती है अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए। जब वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है तो डॉक्टर इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है मिस्टर लिन को। तो यहाँ पे मिस्टर लिन का गार्ड सोफी को फॉलो करने लगता है। जैसे ही सोफी अपने घर पहुँचने वाली होती है, वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। सोफी कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लिन कहता है कि हॉस्पिटल से हमें तुम्हारे बारे में पता चला था, इसलिए हम तुम्हें फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे सोफी कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझसे दूर रहे, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बट लिन यहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है और उससे टाइटली हग करने लगता है। मिंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस हमने आजकल काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं मिस्टर लिन के शेयर्स को खरीदने के लिए, शायद उसके बाद आप उसकी कंपनी पे अपना कब्जा कर पाए, तो हमें क्या कोई एक्शन लेना चाहिए। बट मिंग फिलहाल उसे कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लिन को, जो कि पूरी रात सोफ़ी के घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। मॉर्निंग में सोफ़ी वहाँ पर कुछ बच्चों को लेकर आती है क्योंकि वो उन्हें ड्राॅइंग करना सिखाती है। तो वहाँ पर एक बच्चा कहने लगता है लिन से, क्या आप हमारी मैडम के हस्बैंड है, क्या आप मैडम से माफ़ी मांगने आए हैं। लेकिन सोफ़ी उस बच्चे को चुप कराने लगती है। वो बच्चा तभी भाग के जाता है और एक ड्राइंग दिखाने लगता है लिन को। एक्चुअली में सोफ़ी ने लिन की याद में उसका एक स्केच बनाया होता है। ये देखकर लिन बहुत खुश होता है और वो कहने लगता है सोफ़ी से कि तुम भी मुझे बहुत मिस करती हो, तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। बट उसकी बात को इग्नोर कर देती है फिलहाल तो सोफ़ी और वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पे लिन को असिस्टेंट बताता है कि मिंग कुछ चाले चल रहा है, तो हमें क्या उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कह देता है उससे लिन, हाँ अब समय आ गया है कि हमें उसे बर्बाद कर देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लिन के उसी असिस्टेंट को, जो कि मिंग के ऑफिस में जाके उसे धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है क्योंकि तुमने जितने भी पासे फेंके थे वो सारे उल्टे पड़ गए हैं। असल में उसकी ही कंपनी का एक आदमी लिन की कंपनी के साथ मिला होता है, जिस वजह से मिंग तो रोड पर आ जाता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। सोफ़ी को देखते हैं उसके घर पे, वो उन बच्चों को भेज रही होती है जिन्हें वो ड्राइंग करना सिखाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिंग आ जाता है। सोफ़ी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिंग कहता है कि लिन ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, अब मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ आके यहीं रहने लगूं। बट सोफ़ी उससे कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं रह सकते हो क्योंकि मैं एक अकेली लड़की यहाँ पे रहती हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग बातें बनाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। मिंग कहता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम मुझे एक बार एक्सेप्ट कर लो, और वैसे भी मैं लिन के सामने कह चुका हूँ कि ये बच्चा मेरा है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोफ़ी कहती है कि तुमने ऐसी बकवास क्यों की। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, बेबी के बारे में मुझे बताओ, क्या ये बेबी तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे वो फाइट करने लगता है इस चीज़ को लेकर मिंग के साथ। तो मिंग कहता है तुम्हें कब परवाह थी, वैसे भी तो तुम खुद इस बच्चे को मारने की सोच रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर नहीं। वो दोनों फाइट करने लगते हैं बट सोफ़ी उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पर मिस्टर लिन काफ़ी परेशान होते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं, क्या सच में जो सोफ़ी के बैली के अंदर बेबी है वो मेरा हो सकता है क्या। असिस्टेंट कहता है, आप डीएनए टेस्ट करा ले, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बारे में सोचने लगता है मिस्टर लिन भी। दूसरी तरफ मिंग को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उसके पास एक गुंडा आता है और कहता है, बॉस आप इतने परेशान क्यों हैं, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मिंग उसे ऑर्डर देता है सोफ़ी को किडनैप करने का। वो पर संतुरंत ही सोफ़ी को किडनैप कर लेता है। यहाँ पे सोफ़ी हैरान होती है ये देखकर कि मिंग ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। वो उसे कहती है कि तुम इतने बेकार पर्सन क्यों बनते जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। मिंग कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड लिन ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, मुझे कभी भी कुछ नहीं मिला, और मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे चूज़ कर लो तो तुमने भी मुझे चूज़ नहीं किया। सच में तुम सभी लोग एक जैसे हो, इसलिए अब मैं लिन से सब कुछ छीनना चाहता हूँ, चाहे उसकी धन दौलत हो या फिर उसका प्यार, अब सब कुछ मेरा होगा।
होगा। ऐसा कहकर वो उसे डराने धमकाने लगता है और उसका एक वीडियो बना के भेज देता है लिन के पास। लिन उस वीडियो को देखकर डरने लगता है। उसका असिस्टेंट कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए, बट लिन कहता है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो उसके कान में कुछ उसे आइडिया दे देता है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाता है वहां पर, जहां पर मिंग ने उसे बुलाया होता है। वो मिंग से कहता है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी तुम्हारे नाम कर दी है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन मिंग कहता है इतनी आसानी से नहीं। वो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मरना होगा। वो यहाँ पे उसे फाइट करने लगता है। सोफी यहाँ पे जैसे तैसे अपने हाथों को खोल लेती है और उसके बाद मिंग पे अटैक कर देती है, तो मिंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर लिन बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाती है। वो उनके पास वहीं पे रहकर उनका ध्यान रखती है, जिसके बाद लिन को होश भी आ जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ घर ले आता है वापस। लेकिन तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है जो कि लिन को चिपकने लगती है। उसका नाम मोमो होता है, जो कि फ़िलहाल ही एब्रॉड से वापस आई हुई होती है। वो ये सब कुछ देख के बहुत जेलस फील करती है और कहने लगती है लिन से, ये लड़की कौन है? लिन कहता है कि ये मेरी फियांसे है। ये सुनने के बाद तो मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन से कहती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? बचपन में तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बड़े होने पे तुम मुझसे मैरिज करोगे। यहाँ पे उससे कहता है लिन, वो सारे बचपन की बातें थी, तुम ऐसे मजाक मत करो मोमो, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर जैसी हो। बट मोमो तो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। कहने लगती है उससे सोफी, ये सब कुछ क्या है? तो लिन उसे बता देता है कि वो बचपन की बातें कर रही थी, उन बातों को माइंड मत करो। यहाँ पे फिर सोफी को हॉस्पिटल से वापस ला रहा होता है मिस्टर लिन। वो दोनों कार से उतर रहे होते हैं, वहाँ पे भी आ जाती है मोमो और कहती कि मुझे तुम्हारे साथ आज बाहर डिनर पे जाना है। पर उसे कह देता है लिन कि मुझे इसका ध्यान रखना है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। लेकिन मोमो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। घर आने पे सोफ़ी की मुलाकात फिर से मोमो से होती है, बट मोमो यहाँ पे उसे धक्का देकर गिरा देती है जानबूझ के, जिस वजह से सोफ़ी की तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ पे जो होता है लिन वो मोमो पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने जानबूझ के क्या उसे धक्का दिया है, वो प्रेग्नेंट थी, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे मोमो कहते हैं कि वो खुद गिर गई थी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं ग्रैंड माँ से जाके तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम किसी और लड़की के चक्कर में मुझे डांट रहे हो। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद आकर डॉक्टर बताता है मिस्टर लिन को कि बच्चे को हम नहीं बचा पाए, बस आपकी वाइफ को ही बचा पाएंगे। ये बात सुन के मिस्टर लिन को बहुत दुख होता है। साथ में यहाँ पे सोफ़ी भी इस वजह से बहुत सैड होती है, तो मिस्टर लिन उसे संभालते हैं। मोमो को देखते हैं जो कि मिस्टर लिन की ग्रैंडमा से कह रही होती है कि वो बेकार में मुझसे नाराज़ है। वहाँ पे आ जाता है लिन और कहता है कि गलती इसी की है, इसी की वजह से हमने अपने बच्चे को खो दिया है। तो कहने लगती है यहाँ पे मोमो, आपको तो पता भी नहीं है कि वो आपका बच्चा था भी या फिर मिंग का था। यहाँ पे उन्हें DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है लिन कि वो मेरा ही बच्चा था। लिन यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता भी है, अब डॉक्टर्स ने कहा है कि सोफ़ी के लिए फिर से माँ बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। ग्रैंड माँ कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी तो कोई बात नहीं, मोमो तो काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दे सकती है, तुम मोमो से मैरिज कर लो। यहाँ पे ये बात सुन के लिन कह देता है कि ग्रैंड माँ मैं पहले ही सोफ़ी से मैरिज कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी और से मैरिज नहीं करूँगा और आप मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोफ़ी को देखते हैं जो कि किसी और के बच्ची को देखकर एकदम से गले लगा लेती है, वो उसे अपना बच्चा समझती है। उसकी मेंटली कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती है, तो उसे लिन संभालने लगता है। आगे देखते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करा होता है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ यही कहती है कि अब हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे तो चाहिए ही होंगे, अगर ये बच्चे नहीं दे सकती है तो तुम मोमो से शादी कर लो ना। लेकिन मिस्टर लिन गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं गेस्ट हाउस में रहने जा रहा हूँ, जब तक आप यहाँ पे रहेंगी मैं घर वापस नहीं आने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से सोफ़ी को ले जाता है। ग्रैंड माँ को बहुत गुस्सा आता है। फिर दिखाया जाता है ग्रैंड माँ को, जो कि फिर से पहुंच जाती है गेस्ट हाउस। अब वो सोफ़ी से मिलती है। सोफ़ी कहती है कि मिस्टर लिन यहाँ पे नहीं है, तो ग्रैंड माँ कहते हैं मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम छोड़ के चले जाओ लिन को। वो उसके बदले उसे काफ़ी सारे पैसे भी देती है। सोफ़ी को देखते हैं जो कि अपने रूम में रहती है। मिस्टर लिन वहाँ पे आते हैं तो सोफ़ी कहती है आजकल तुम बहुत लेट आते हो। लिन कहता है कि ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है बस इसी वजह से। आगे दिखाया जाता है उसे ऑफिस में, जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है वेडिंग की तैयारियाँ अच्छे से हो गई है ना, क्योंकि मैं सोफ़ी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। उसने एक अच्छी सी पार्टी रखी होती है जिसमें सभी गेस्ट आए होते हैं। वो लोग वहाँ पे ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ होने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन ग्रैंड माँ और मोमो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। मोमो तो बाद में कहने लगती है सोफ़ी से कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जानती नहीं हो
कि मिस्टर लिन के ऑफिस में क्या क्या गड़बड़ चल रही है, पर ग्रैंडमा उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पे सोफी और मिस्टर लिन दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है, लेकिन मिस्टर लिन को कोई और अपने रूम में ले जाता है। सोफी उन्हें ढूंढने लगती है और वो ढूंढते ढूंढते उस रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है मिस्टर लिन को मोमो के साथ। मोमो यहाँ पे ऐसा दिखावा करती है जैसे उनके बीच में कुछ हुआ है। मिस्टर लिन तो पहले से ही मोमो पे चिल्ला रहे होते हैं और सोफी भी मिस्टर लिन को गलत समझती है और उनसे डिवोर्स लेने की बात कहती है। मिस्टर लिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट सोफी एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली आती है। उसके बाद देखते हैं सोफी को, जो कि मिस्टर लिन की ग्रैंडमा के साथ होती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उसे डिवोर्स देने का। इसके बदले वो उसे कुछ पैसे देती है और सिटी से दूर जाने के लिए कहती है। आगे देखते हैं मिस्टर लिन को, जो काफ़ी दुखी होते हैं और बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर मोमो आ जाती है, वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मोमो कहती है कि वो सच में एक बेकार लड़की थी, असल में तो वो पैसों के लिए आपको छोड़ के गई है। उसकी बात पे लिन भरोसा नहीं करता है, तो मोमो उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें सोफी ग्रैंडमा से पैसे ले रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद तो मिस्टर लिन पूरी तरीके से टूट जाते हैं। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। दिखाया जाता है मिस्टर लिन को, जो कि मोमो के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ पे मोमो के डैड कह रहे होते हैं कि लिन तुमसे बहुत प्यार करती है मोमो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मोमो से मैरिज करनी होगी। मिस्टर लिन भी यहाँ पे हाँ कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं सोफी को, जो कि तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, बट उसे अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ऐसा उसे डॉक्टर कह देते हैं। मिस्टर लिन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट कहता है बॉस आपके कहने पे मैंने वो सारा काम कर दिया है। मिस्टर लिन कहते हैं ठीक है, तो अब बस वेट करो, देखो आगे क्या होता है। आगे देखते हैं मिस्टर लिन को, जो कि एक नए घर जाते हैं जहाँ पे सोफी होती है। सोफी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लिन तो तुरंत ही उसे देखकर किस करने लगते हैं और उसके बाद वो घर के अंदर उसे ले आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इससे ज़्यादा मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं। अच्छा हुआ कि मैं ग्रैंडमा के सारे प्लान को समझ गया और तुम्हें उस दिन वापस ले आया। वो उसे कहते कि तुम कैसी हो। सोफी कहते मैं ठीक हूं, और हाँ तुम्हारे ग्रैंडमा के दिए हुए पैसों से खूब मौज मस्ती कर रही हूं। लिन कहता है कि जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस तुम अपना ध्यान रखना और बेबी का भी। तभी यहाँ पे लिन के पास कॉल आता है मोमो का, जो कि रोते हुए उसे हेल्प के लिए कॉल करती है। यहाँ पे लिन कहता है फिलहाल मुझे जाना होगा, इसलिए वो मोमो के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे मोमो के डैड उसे डांट रहे होते हैं कि उसने बिजनेस में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, जिससे कि मेरी कंपनी पूरी तरीके से डूब सकती है। यहाँ पे मिस्टर लिन अच्छा बने का दिखावा करने लगता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं और आप अपनी दोनों कंपनियों को एक साथ मर्ज कर ले, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मिस्टर लिन की बात मान लेते हैं यहाँ पे तुरंत ही मोमो के फादर। मिस्टर लिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ वर्क कर रहे होते हैं और मोमो उन्हें देखे जा रही होती है। लिन कहता है अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे कहती है मोमो आज तुमने मुझे डैड की डांट से बचा लिया। लिन उससे कहता है ये लो कार्ड और जाके शॉपिंग कर लो। मोमो बहुत खुश होती है और मॉल में शॉपिंग करने पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोफी से हो जाती है। वो सोफी को प्रेग्नेंट देखती है तो कहने लगती है अजीब बात है तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई, क्या तुमने किसी और लड़की को ढूंढ लिया है, क्योंकि अब तुम्हें कभी भी मिस्टर लिन तो मिलने नहीं वाले हैं। सोफी उससे कहती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो अब पुरानी हो चुकी है, उसे तुम ही रखो, क्योंकि तुम ही पुराने और कबाड़ जैसी चीज़ों को डिजर्व करती हो। ये बात सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है मोमो को, लेकिन सोफी उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है, जो कि पैरों को पकड़ने लगती है मोमो के और कहते कि प्लीज़ मैडम आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दे, मेरा एक बच्चा है, आप मेरे हस्बैंड को मुझसे क्यों छीन रही है। यहाँ पे वो ऐसा ड्रामा करने लगती है और सभी लोग उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। आगे दिखाया जाता है मिस्टर लिन की ग्रैंडमा और मोमो के फादर को, जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने कई साल पहले जो क्राइम किया था अब वो सबके सामने उभर के आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। ग्रैंडमा यहाँ पे कह देती है कि मोमो से मैं लिन की मैरिज करवा दूंगी, इसलिए आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले। इसलिए मोमो के फादर सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाते हैं। वहीं मिस्टर लिन को देखते हैं, जो कि सोफी का ध्यान रख रहे होते हैं। तभी मिस्टर लिन एक न्यूज़ देखते हैं, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उस क्राइम में मोमो के फादर ने ही अपनी हामी भरी है, बस उसकी ग्रैंडमदर बच गई है। सोफी पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। मिस्टर लिन बताते हैं कि असल में मेरे मॉम डैड को मरवाने के पीछे मेरी ग्रैंडमा और मोमो के फादर का हाथ था। मेरी ग्रैंडमा तो मेरी मॉम को मरवाना चाह रही थी, क्योंकि वो हमारे ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन उस दिन मेरे डैड भी उनके साथ कार में चले गए, जिस वजह से उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस चीज़ का ब्लेम सिर्फ मोमो के फादर ने ले लिया है। लिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में मोमो को चेकअप कराने के लिए लाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात ग्रैंडमा से हो जाती है, वो उनसे बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं होता है। मोमो कहती है कि ग्रैंडमा को लंग कैंसर है, एक बार तो तुम इनसे बात करो। ये बात सुन के लिन भी थोड़ा हैरान होता है। उसकी ग्रैंडमा हर चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगने लगती है,
और वो कहती है कि तुम दोनों एक बार प्लीज घर जरूर आना। तो यहाँ पे मिस्टर लिन तो मना करते हैं और वो उनसे अपने हर रिश्ते नाते को तोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन सोफी कह देती है कि हम लोग घर जरूर आएंगे। इसलिए वो लोग फिर मिलने के लिए घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पूछते हैं मोमो से कि ग्रैंड माँ कहाँ पर है। कुछ ही देर में वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है। वो यहाँ पर अपनी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दे रही होती है सोफी और लिन को, लेकिन वो इसके बदले रिक्वेस्ट करती है लिन से कि तुम मोमो से भी मैरिज कर लो। बट लिन इस चीज़ के खिलाफ होता है और कहता है ग्रैंड माँ आप बहुत कुछ कर चुकी हैं और अब ये भी करना चाहती है, आप जो चाहे वो मोमो को दे सकती है, बट मुझे प्लीज़ मैरिज करने के लिए फोर्स मत कीजिए क्योंकि मैंने सिर्फ सोफी से प्यार किया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला आता है। घर आने पे भी लिन बहुत नाराज होता है और कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ अब भी ये सब कुछ कह रही है, सच में उन्हें पछतावा ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है। सोफी उसे गुस्सा ना करने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी मोमो कॉल करके बताती है लिन को कि ग्रैंड माँ मर चुकी है। ये बात सुन के लिन को थोड़ा दुख होता है, इसलिए वो लोग उनके ग्रेव पे जाते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा मैंने आपको आपकी हर गलती के लिए माफ़ कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि अगली ज़िंदगी में आप फिर से मुझसे मिलेंगी बट ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगी। लिन यहाँ पे कहने लगता है मोमो से कि तुम्हारे फादर ने गलती की थी ना कि तुमने, मेरी ग्रैंडमा की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सभी मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पे मोमो कहती है कि मैं भी जल्दी अब्रॉड वापस जाने वाली हूँ। वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सोफी एक लड़की को जाते हुए देखती है, कहती है कि ये कोई जानी पहचानी लग रही है, पर उसकी बात पे लिन ध्यान नहीं देता है। लिन को दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पे मोमो उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और कहती है कि आज शाम की फ्लाइट से मैं जाने वाली हूँ, इसलिए बस आपको लास्ट टाइम गुड बाय कहने आई थी। वो यहाँ पे उसे कॉफ़ी सर्व करती है तो उसे पी लेता है लिन, बट उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं सोफी को, जो कि लिन के घर ना आने की वजह से परेशान होती है। वो सभी को कॉल करके उसके बारे में पूछते हैं, बट किसी को कुछ नहीं पता होता है, इसलिए वो खुद ही ऑफिस जाने की सोचती है। बट बीच रास्ते में उसे किडनैप करवा लेती है आकर वहाँ पे भी, और कहते कि अब तुम नहीं बचोगी सोफी। वहीं एक होटल रूम में लिन को लेके आ जाती है मोमो और कहते कि आज आप मेरे हो जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से। लिन को होश आ जाता है तो वो मोमो से कहने लगता है कि सच में तुम अपनी हरकतों से पास नहीं आओगी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मोमो, मैंने तो तुम्हें माफ़ी कर दिया था। बट मोमो कहते कि मुझे आपकी माफ़ी नहीं बल्कि आप चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लिन का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस्टर लिन को बचा लेता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि सोफी कहाँ पर है, तो मोमो हंसने लगती है और कहते कि वो तो शायद अब तक मर चुकी होगी क्योंकि अब वो आपको कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं सोफी को, जिसे हॉस्पिटल में लेके आई हुई होती है वी, और सोफी से कहती है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों दोनों को साथ में मार दूंगी। सोफी उससे कहती है कि तुम जेल से बाहर कैसे आई, भी कहते हैं कि क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था इसलिए मैं बाहर आ गई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो यहाँ पे बता देती है कि जिस दिन ग्रैंड मदर की ग्रेव पे तुम दोनों गए थे उसी दिन मैं भी मिली थी मोमो से, और वहाँ जाके मैंने और मोमो ने मिलके ये प्लान बनाया था। वहाँ पे हम देखते हैं एक डॉक्टर भी आ जाता है उसे पॉइजन देने के लिए। ये सब कुछ देख कर यहाँ पे वी बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर लिन को, जिसने एक बार टब में हाथ पैर बांध के बैठाया हुआ होता है मोमो को। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि मुझे बता दो सोफी कहाँ पर है वरना तुम मारी जाओगी। डर के मारे यहाँ पे सोफी उसे बता देती है। इधर वो डॉक्टर उसे पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है। सोफी ये सब कुछ देखकर घबरा रही होती है, लेकिन वी खुश होती है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर लिन, जो कि वी को पकड़वा देता है फिर से और पूरे टाइम सोफी के पास रहता है। मिस्टर लिन वहाँ पे टाइम से पहुँच जाते हैं, जिस वजह से सोफी की ज़िंदगी भी बच जाती है। सोफी को जब होश आता है तो वो मिस्टर लिन से कहती है कि क्या आप ठीक है, वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि बच्चा ठीक हो ना हो बट मैं तुम्हें ठीक दिखना चाहता हूँ। तो सोफी कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे मेरा बच्चा भी चाहिए। मिस्टर लिन कहते हैं तुम चिंता मत करो, बच्चा भी ठीक है बट मैं तुम्हें जिंदा देख के बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं और घर ले आते हैं, लेकिन सोफी को तभी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो मिस्टर लिन से कहती है कि शायद बेबी आने वाले हैं, आप मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके चले, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मिस्टर लिन भी घबराते हुए कॉल करते हैं तुरंत ही ड्राइवर को और वो उसे जैसे तैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ टाइम बाद डॉक्टर आके उन्हें बताता है कि उन्हें बेबी बॉय हुआ है। मिस्टर लिन बच्चे से पहले तुरंत सोफी को देखते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना। सोफी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारा बच्चा कहाँ पर है। तभी वहाँ पे बच्चे को भी लेकर आ जाती है नर्स और सोफी के पास लिटा देती है। मिस्टर लिन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, मैं तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सोफी ये बात सुन के बहुत खुश होती है और उन्हें आई लव यू कहती है। मिस्टर लिन भी कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस प्लीज़ बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है। दोस्तों अगर ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।